नमस्कार, तेज खबर 24 से मैं हूं आपके साथ अजिता। रीवा जिले में अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से आहत हुए किसानों की फसलों को मुआवजा दिलाने आज कांग्रेस कमेटी ने संभागायुक्त को ज्ञापन पत्र सौंपा है। कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने कहा कि रीवा जिले का किसान इस प्राकृतिक आपदा से बेहाल है। यहां अनाज के साथ सब्जी व फलों की फसलें नष्ट हुई हैं। मांगे तो बहुत साफ और स्पष्ट है। जिस तरीके से मौसम इस साल गड़बड़ कर रहा है, होली हो गई और इसके पहले शिवरात्रि हुई, बसंत पंचमी, जब कभी भी कोई इस तरीके के त्यौहार आए, कहीं न कहीं बारिश और ओला का प्रभाव हुआ है। इस साल जहां तक रीवा ज़िले का सवाल है, मुझको लगता है कि इतनी देर तक मसूर का क्रॉप और आपके दलहन तिलहन का जो क्रॉप है वो कंप्लीट रूप से कट जाना चाहिए और उसकी क्रॉप आ जानी चाहिए, फसल आ जानी चाहिए। कुछ प्राप्त नहीं हुआ। चना एक ऐसा वो है कि अब उसकी भी कटाई शुरू हो जानी चाहिए। तो ये जो बराबर मौसम लगातार बिगड़ रहा है, उसके चलते ये बात देखने को सच है कि पानी बीच बीच में गिरता रहा तो जिस खेत को आप देखें तो हरा भरा दिखाई देगा आपको, लेकिन अगर आप देखेंगे तो खेत में हरा भरा भले रहा है लेकिन वो पूरी तरीके से पसार गया है। पूरा गेहूं गिर गया है, पूरा चना समाप्त हो गया है, पूरी अरहर खत्म हो गई है, जितने पेड़ पौधों में जो फलदार वृक्ष हैं वो सब गिर गए हैं। मुझे लगता है कि आम की बौर इस साल संयोग अच्छा था कि पिछले साल आम नहीं आए थे, इस साल आम बहुत आए हुए हैं, तो आम की बौर में पूरा असर पड़ गया है, पूरा ख़त्म हो गया है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, मेरी परसों रात में जब ओला गिर रहा था रीवा शहर में, तो इतना तेज़ी के साथ में बड़े बड़े ओले गिर रहे थे और एकदम मेरी नींद खुली तो जानवर की आवाज़, गाय की कहीं से आवाज़ आ रही थी, वो बाँ कर रही थी। तो मन में एक पीड़ा हुई कि अब उम्र अवस्था हम लोगों की भी ढल रही, पता नहीं पूर्वजन्म के संस्कारों में क्या बनना पड़ेगा। तो बेचारे जानवर तक इतने दुखी और परेशान हैं। तो एक तरीके से मैंने कमिश्नर साहब से आज उनको उनसे अनुरोध किया है कि ओला पड़ने की स्थिति ये होती है कि एक खेत के आधे में गिर जाता है और आधे में रह जाता है। तो कई बार जो है प्रशासनिक अमले को अगर मुस्तैद न किया जाए और उनको मॉनिटरिंग का भय ना हो कि कोई हमको देखेगा, कोई समझेगा, तो वो कई बार उसका इग्नोर कर जाते हैं। तो मेरा आशय ये था कि ये मान करके कि नहीं सर्वे हो गया, देख लिया, सब ठीक ठाक हो गया, ऐसा नहीं। इस स्तर के अधिकारी, वो चूंकि आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं, पूरे संभाग की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, वो अगर निकल करके कोई चीज़ देखेंगे, खेत में जाएंगे, किसानों से पूछेंगे कहाँ क्या आपका नुकसान हुआ है, तो निश्चित रूप से उसका असर उन कर्मचारियों पर, उन अधिकारियों पर पड़ेगा जो इसका मुआवजा वगैरह बनाएंगे, और इन्हीं को रिपोर्ट भेजनी है प्रदेश सरकार को भी। तो वो मान करके मैंने आज कमिश्नर साहब से अपने तमाम साथियों के साथ में, ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, नई गढ़ी ब्लॉक के उपाध्यक्ष जी हैं नृपेंद्र सिंह वगैरह, ये मैंग वगैरह सब लोग साथियों को लेकर के हमने ये कोशिश, कांग्रेस से बदल के साथी हैं, हमने ये कोशिश किया है कि आज कमिश्नर साहब को ज्ञापन दे करके एक तरीके से शासन अपनी जगह है, प्रशासन को मुस्तैद करें कि वो फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो पैसा दे सकते हैं वो, रेवेन्यू एक्ट के अंतर्गत जो पैसा दे सकते हैं वो, इन सारी चीज़ों को मिला करके और जल्दी से जल्दी इसकी प्रक्रिया को, कार्रवाई को पूरी करें और पूरी करके किसानों को वो लाभ मिले, इसके लिए आए थे। कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन पत्र के माध्यम से मांग की है कि ओलावृष्टि एवं असामयिक हुई अतिवृष्टि से किसानों के हुए फसल की क्षतिपूर्ति के लिए सर्वे का कार्य कराया जाए एवं किसानों को उचित मुआवजा राशि दिलाई जाए। हमने ये मांग करी है कि जो ओलावृष्टि हुई है, अतिवृष्टि हुई है और इससे जो किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, उसका सर्वे का काम कराकर उनको मदद उपलब्ध कराई जाए। ये इंस्ट्रक्शंस मैं ऑलरेडी सभी कलेक्टर्स को दे चुका हूँ। हमारे कृषि विभाग और राजस्व विभाग की जो टीम है संयुक्त रूप से वो इसका सर्वे करेगी और जिन किसानों का बीमा है उनको बीमा के जो प्रावधान है उसके तहत, जिनका बीमा नहीं है उन्हें RBC 64 के जो प्रावधान है उनके तहत पात्रता अनुसार जो भी शासन की योजना है उसके तहत उन्हें राहत उपलब्ध कराई जाएगी।